Efendim, Aslanlı'nın adım ve hafta mezman Zübeyir ve Sıddiki, arz etmeye at yava çılında nihar. Kısmet-i Şahbah ki kapı çılında nihar ister. Bir Sayyid Çıdar Zısar Çırazi, et Aslan-ı Ali Ali Parzaydası ve enne sanırdı diyor ki, enne nefe umur var ha, और यहां पर शानदार प्रतिभाग इस्तेमाल किया गया है अब्दुल रहमान खान साहब और हमारे बाजी अब्बास साहब ने बहुत शानदार पूरे हलके में करते अरज पर हम उनसे जानते हैं ये हलके की सूरत हाल पर क्या कहेंगे और जीत के लिए तरण पार्टी क्या जीतेगी कितने वोट से सवाल वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इंशाल्लाह जो बहुत पूछे बहुत अन्य डॉक्टर की सूरत हाल एक तो मैं बताऊं कि यहाँ पे इंशाल्लाह ताला इस दफा जो भी झूठे वादे करने वाले हैं और जिन्होंने ये हल्के का मतलब पिछले 20-25 साल से जिस तरह हल्के को लावारिस छोड़ा हुआ है इंशाल्लाह हम बताएंगे कि हल्के में किस तरह काम किया जाता है और ट्रेन इंशाल्लाह पूरी लीड के साथ जीतेगी और हल्के की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि कोई रोड नहीं है कोई गलियां नहीं है कोई नालियां नहीं है बिल्कुल कहीं भी फंड नजर नहीं आता लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मूली का कैंडिडेट ही नहीं है और ये मूली का आना नहीं है जिसने जाने बेहतर का इतना खस्ता हाल कर दिया तो इंशाल्लाह कल 8 फरवरी को इंशाल्लाह पूरी लीड के साथ करेंगे किसी जमात के साथ अलहाद भी करेंगे नहीं किसी जमात के साथ जो हमारे नजरिए के साथ आएगा उसके साथ ना बहुत शुक्रिया जी फिर सुनिए साहब का इनाम का उन्होंने बहुत शुक्रिया पैसे दे दिया और हमारे साथ इनके मोहम्मद सिद्धार्थ चौक 48 के उम्मीदवार एयर 49 के उम्मीदवार राणा उसामा साहब है वो भी यहाँ पर मौजूद है इनसे भी बयान लेते हैं वो क्या कहते हैं सामने कम सिद्धार्थ भाई माशाल्लाह थोड़ी कैबिनेट आपके साथ है बड़ी हल्के में कैंपेन अरूज पे है क्या कहेंगे क्या सूरत हाल है कि आपकी नेशनल ग्रेन पार्टी अब जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सामने है अल्हम्दुलिल्लाह क्या मैसेज देते हैं अपनी आवाम को पब्लिक को क्योंकि हमने देखा है कुछ पीटीआई के कुछ रोम के और कुछ मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के भी कुछ है लेकिन यहाँ पर ज्यादा होल्डअप देख रहे हैं ग्रेन पार्टी बड़ी है और दूर का भी है और पीटीआई का भी बड़ा हमारी पार्टी में ना तो खाने वाला है ना तो खिलाने वाला 48 में आप विन कर जाते हैं एमपीए बन जाते हैं तो क्या चुनाव क्या करेंगे आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिसाइल है ना अपनी जान से बढ़कर हर काम करूंगा क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है क्योंकि यहाँ चमंडा के अंदर ना कोई सीवरेज सिस्टम सही है ना कोई ग्राउंड है ना कोई तकलीफ पार्क है बड़ा घर खो चुका है तो सर जी आप जी आवाम में चीनी दिन जमीन चाहिए ना ये मुसलमान वोट नहीं देने क्योंकि आप ग्रैंड ग्रैंड चौड़ा नहीं वोट पार्टी है आप तो उम्मीदवार है और सारे काम होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस दे खुदा सारे काम होंगे और इन्हें आवाम में चुनने के नाम में सोचना चाहिए कि अभी ऐसी अंगा अच्छा अगर चोरों ने वोट देंगे रहे तो हम अपने हाल तक पहुंच और अपनी आने वाली नस्ल जो है ना वो रहम करिए करम जो है ना इन्हें बची है ना इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी 48 हल्का पीपी के उम्मीदवार एमपीए के मोहम्मद सिद्धार्थ चट साहब उन्होंने बहुत दबंग ऐलान किया है इंशाल्लाह ताला हम इन चोरों से जान छुड़ाएंगे और खुद ऐसी क्यादत लाएंगे जो पाकिस्तान की खुशहाली का सोचे और चुनिंदे का जो मिसाल है उनका सोचे तो बहुत शुक्रिया अपने मेहमान जुबैर में सिद्दीकी मिर्ज़ा मुरीद को दावे दीजिए और देखते हुए ऐसे प्रोग्राम अल्लाह हाफिज़